सुनकर हैरान होंगे आप, हो सकता है कुछ परेशान भी होंगे और फिर सोचने पर मजबूर भी होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में भर्तियों का ऐसा भंवर जिसमें 37 लाख अभ्यर्थी उस भंवर में फंसते हुए दिखाई दिए। वजह क्या है? वजह है वो इम्तिहान जो 15 और 16 अक्टूबर में होने जा रहा है, वो है यूपी एसएससी, ट्रिपल एसएससी, पीईटी 2022, उसकी परीक्षा। अब सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। एक अभ्यर्थी गाजियाबाद का, जिसे गाजीपुर के सेंटर में भेज दिया गया, एक अभ्यर्थी गाजीपुर का, उसे बुलंदशहर सेंटर में धकेल दिया गया। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, लाखों अभ्यर्थी जिन्हें 400 से 500 किलोमीटर का संघर्ष करना पड़ रहा है, लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, लाखों बच्चे। खैर, गोदी मीडिया के लिए खबर नहीं है, मैं जानता हूं। गोदी मीडिया के लिए तो वही हिंदू मुसलमान, जात धर्म और पात, उन्हें छात्रों की चिंता दूर तरक नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है, शायद आपको भी होगा। खैर, मसले को समझिए। सवाल इसलिए कि क्या यह पैसे और समय की बर्बादी नहीं? पैसे और समय तो छोड़िए, मसला सुरक्षा का भी है। क्या लड़कियों के साथ ज्यादा समस्या नहीं होगी? जो अभ्यर्थी लड़कियां हैं वो बच्ची। अब सवाल यह कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी? वो आपने सुना है ना, भाला फेंको प्रतियोगिता, भाला फेंको। क्या ये भाला फेंको जो प्रतियोगिता है, अब वो फेंक जहां तक सेंटर पाए, कहते थे ना फेंक जहां तक भाला जाए, अब फेंक जहां तक सेंटर जाए, फेंको जोर से फेंको। अभ्यर्थियों की कोई चिंता है या नहीं, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और इसकी जरूरत क्या थी? आज हर अभ्यर्थी और उसके अभिभावक, उनके मन में यह सवाल है। यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, यह सवाल उन लाखों अभ्यर्थियों का है जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा की पारदर्शिता होगी, परीक्षा पारदर्शिता बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है। हमारा सवाल, सवाल यह कि गारंटी कौन दे सकता है कि सॉल्वर गैंग इस परीक्षा में नहीं निकलेगा? सवाल हमारा यह कि यूपी ट्रिपल एससी, कोई अधिकारी गारंटी देगा कि पर्चा आउट नहीं होगा? कोई गलत सवाल नहीं होगा ताकि मामला कोर्ट की दहलीज पर ना जाए? ये तीन सवाल जानते हैं हम क्यों पूछ रहे हैं? ये तीन सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो बीमारी है, ये तो हर बार की परीक्षा के दौरान फैलती ही फैलती है। यकीनन जो अभ्यर्थी होगा वो एक दिन पहले, जिस दिन परीक्षा होगी उससे एक दिन पहले जाएगा। हो सकता है कि अभ्यर्थी अपने परिवार के सदस्य को भी लेकर जाए, अगले दिन पेपर देगा और तीसरे दिन वहां से निकलेगा। यानी कि तीन दिन रहने का बंदोबस्त उसे करना होगा। क्या यह बंदोबस्त सरकार कर रही है? यकीनन यूपी में जो चयन आयोग है, जो भर्ती परीक्षाएं करवाते हैं, उनको लेकर शिकायतों का एक पुलिंदा है, लंबा पुलिंदा। नौजवानों में आक्रोश है, सरकार की तमाम हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी कोई महत्वपूर्ण सुधार होता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यह कभी चुनावी मुद्दा बना भी नहीं। परीक्षाएं लटकी अटकी और भटकी। भर्ती के आयोग का जो मक्कड़ जाल है, जिसमें युवा फंसे तो फंसते चले गए। अगर फंसा युवा त्राहिमाम जब तक नहीं करता, तब तक आयोग ठन ठन गोपाल,
क्या ये संस्थाएं नौजवानों के लिए समस्या के समाधान के लिए थी या फिर समस्याओं को बढ़ाने के लिए? क्या ये संस्थाएं जानबूझकर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाती हैं ताकि अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी हो? ये आरोप नहीं है, ये सवाल है उन लाखों अभ्यर्थियों का जिसे झुटला पाना आयोग के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल, यानी कि इरादतन और गैर इरादतन। इरादतन, ये सब कुछ इरादतन है। बलिया वाला झांसी जाएगा, गाजीपुर वाला गाजियाबाद जाएगा, कैसे जाएगा जरा सोचकर देखिए। क्या ये भर्तियों का भंवर नहीं है? भर्तियों का भंवर, पिछली बार लगभग 20 लाख उम्मीदवार थे इस परीक्षा के लिए, 20 लाख। इस बार जानते कितने हैं? तकरीबन 37 लाख से ज्यादा आवेदन है। पिछली बार 20 लाख से ज्यादा थे, इस बार 37 लाख से ज्यादा। सवाल यह कि क्या इस बार पेपर आउट नहीं होगा, सॉल्वर गैंग फिर सामने नहीं आएगा और गलत पर्चा हाईकोर्ट की दहलीज पर मामला नहीं जाएगा? और हां, इतना ही नहीं, आरक्षण की गड़बड़ी, आरक्षण की गड़बड़ी को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि कई मर्तबा ऐसा हुआ है, इस पेपर में नहीं है ऐसा, लेकिन आरक्षण की गड़बड़ी के मसले कई बार भेंट चढ़ गए, स्वाह हो गए। हर भर्ती बोर्ड में सब में यही दिखता है। देखिएगा आप इतिहास उत्तर प्रदेश का, इस बार गारंटी कौन लेगा, गारंटी किसकी है? तो क्या यह लॉजिक आपके गले उतरता है जो लॉजिक दिया जा रहा है? एक और किस्सा याद कीजिए, लेखपाल की परीक्षा। हम सबको याद होगी, शायद उसमें 8000 पद थे अगर मैं सही हूं, और बाद में एसटीएफ ने माना कि उसमें 15000 संदिग्ध लोग इम्तिहान दे गए, यानी कि एक पद पर दो संदिग्ध मुन्ना भाई। दरोगा भर्ती का मामला आया, प्रदेश भर के बच्चे आवाज उठाते रह गए। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, डाक के तीन बात, इम्तिहान होना चाहिए जिसमें लगे ये पारदर्शी है, इम्तिहान ऐसा हो जो लगे कि पारदर्शी है, ईमानदारी वाला पेपर परीक्षा, ईमानदारी वाली। क्या इन मसलों पर कभी चर्चा होती है? कभी सुना आपने गोदी मीडिया इस पर चर्चा बहस करता हो? नहीं, ये नौजवानों का मसला है, बच्चों के भविष्य का मसला है। चीतों की चिंता होती है मगर छात्रों की नहीं, अभ्यर्थियों की नहीं। यह तो सिर्फ इम्तिहान का घमासान है। एक परिवार की दो बच्चियां, एक उदाहरण के साथ छोड़ के जा रहा हूं, एक परिवार की दो बच्चियां। आप सोचिए, एक गाजियाबाद और एक गाजीपुर, उन दो बच्चियों का इम्तिहान कैसे होगा? एक परिवार के दो सदस्य कैसे दो बच्चियों का इम्तिहान करवाने के लिए जाएंगे? क्या उसकी व्यवस्था सरकार करेगी? जरा सोचिए, यह छात्रों के भविष्य का मसला था, इसलिए हम आपके बीच में लेकर आए। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है जरा जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अटकी लटकी भटकियां, और ये हम इसलिए कहते हैं परीक्षाओं को लेकर अटकी लटकी और भटकी, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह दर्ज है, इसलिए हमने कहा। छात्रों के मन की पीड़ा कौन सुनता है, यह भी महत्वपूर्ण है। जरा बताइएगा इस खबर पर आपकी राय क्या है। दवाई, पढ़ाई, कमाई, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, यही है हमारा मुद्दा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।